गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर EVS टीचर मंजू फ्रॉम SP पब्लिक स्कूल कटराथल। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच अबाउट चैप्टर नंबर 9, सेफ्टी। SAFETY, सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स क्या होता है? सुरक्षा। तो हमें किन किन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनसे हमें सेफ्टी रखनी है, अपना ध्यान रखना है, तो इस बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। आप अपनी बुक ओपन करो और पेज नंबर 46 निकाल लो। देखो, सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स क्या होता है? सुरक्षा। तन्मय एंड हर एल्डर सिस्टर तनिषा वर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल व्हेन दे सा ए रोड एक्सीडेंट। देखो, तन्मय और उसकी तनिषा नाम की बहन है, जब वो स्कूल से घर के लिए जा रहे हैं, द बाइकर वॉज बैडली वुंडेड एंड क्राउड हैड स्टार्टेड टू गेदर अराउंड हिम। तो क्या होता है कि कोई बाइक चलाने वाला है, वो घायल हो जाता है और उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है। तन्मय एंड तनिषा स्टार्टेड टू हैव ए कन्वर्सेशन ओवर इट। और इसके ऊपर तन्मय और तनिषा है, वो दोनों क्या करते हैं? आपस में बातचीत करते हैं। तन्मय क्या कहता है? सिस्टर, कैन यू टेल व्हाई ही मीट विद एन एक्सीडेंट? इट इज़ बिकॉज ही डिड नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स। तन्मय क्या कहता है कि सिस्टर, आपको पता है ये एक्सीडेंट यानी ये दुर्घटना कैसी हुई? क्योंकि उसने सेफ्टी रूल्स का अनुसरण नहीं किया। तनिषा क्या कहती है? व्हाट डू यू नो अबाउट सेफ्टी एंड हाउ डू यू नो अबाउट सेफ्टी रूल्स? कि तुम सुरक्षा के बारे में क्या जानते हो और सुरक्षा के नियम कौन से हैं? तन्मय क्या कहता है? सेफ्टी मीन्स टू कीप वन सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। देखो, सेफ्टी मीन्स टू कीप वन सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। सुरक्षा का क्या मतलब है? यानी अपने आप को कोई भी खतरा है उससे बचाना। सेफ्टी रूल्स आर इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प अस टू बी सेफ। यानी सेफ्टी रूल्स हैं, वो हमें हिदायत देते हैं, अनुदेश देते हैं कि हम क्या रहें? सुरक्षित रहें, यानी सेफ रहें। दीज शुड बी फॉलो ऑल द टाइम एट ऑल द प्लेस। यानी हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, किसी भी स्थान पर हो हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। दीज ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अदर सेफ टू। और ये अन्य दूसरों को भी क्या रखेंगे? सुरक्षित रखेंगे। आई वॉज टोल्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन स्कूल सिस्टर। वो कहता है कि इसके बारे में मैंने स्कूल में सीखा। तनिषा क्या कहती? व्हाट मोर डू यू नो अबाउट सेफ्टी रूल्स? यानी और अधिक आप मेरे को सेफ्टी रूल्स के बारे में बताओ, आप क्या जानते हो? तो तन्मय क्या कहता है? देर आर डिफरेंट सेफ्टी रूल्स फॉर डिफरेंट प्लेस, फॉर रोड, व्हीकल, प्लेग्राउंड, स्कूल एंड होम। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफरेंट रूल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? देखो, रोड है, वाहन है, प्लेग्राउंड है, स्कूल है, यहाँ पर हमें कौन सी सेफ्टी रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। तो व्हाइल ऑन रोड, जब हम रोड पर रहते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए? ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। यानी हमें हमेशा फुटपाथ या फिर रोड के लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए। वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक और मोटर बाइक। यानी जब भी हम बाइक पर सवारी करते हैं तो उस समय हमें क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली आफ्टर लुकिंग फर्स्ट टू द राइट, देन लेफ्ट एंड देन अगेन टू द राइट टू मेक श्योर दैट नो व्हीकल इज कमिंग। देखो, हमें रोड के लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में देखना चाहिए और हमें फिर कि कोई भी व्हीकल्स नहीं आ रहा है तो उसके बाद में हमें चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन रोड, यू मे गेट हिट बाई एनी व्हीकल्स। हमें कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें क्या होता है?
हमें चोट भी पहुंच सकती है, चोट भी लग सकती है। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, डू नॉट गो अलोंग विद देम इवन इफ दे आस्क। हमें कभी भी जो अजनबी होते हैं उनसे बातें नहीं करना चाहिए और उनके साथ में कभी नहीं जाना चाहिए। अब ये तो थे रोड सेफ्टी। अब इसके बाद में है व्हीकल्स, यानी जब हम किसी गाड़ी में रहते हैं तो हमें कौन कौन से नियमों का अनुसरण करना चाहिए। इफ़ ट्रेवलिंग बाई कार वियर द सीट बेल्ट, अगर हम कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू ओपन द डोर ऑफ कार वाइल इट इज मूविंग, जब कार चल रही है तो हमें कभी भी दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। नेवर स्टिक आउट योर हैंड और हैंड्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स, कभी भी हमें अपने हाथ या सिर को गाड़ी की विंडो में से बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेवर ट्राई टू गेट ऑन और गेट ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स, कभी भी उसको बंद या चालू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब तनिषा क्या कहती है, तन्मय यू रियली नो सो मच अबाउट सेफ्टी, कि तन्मय वास्तव में आपने इनका इसके बारे में सेफ्टी जो रूल्स होते हैं उनके बारे में आप जानते हो। तन्मय क्या कहता है, यस सिस्टर आई विल टेल यू मोर सो दैट यू मे ऑलवेज स्टे सेफ, कि मैं इसके बारे में और अधिक बताऊंगा ताकि आप हमेशा अपने आप को सेफ रखो। तनिषा गीगल्ड और इट एंड दे केप मूविंग टुवर्ड्स देयर होम, तनिषा है वो अपने दांतों को अंदर दबाती है और वो घर की तरफ निकल जाते हैं। तन्मय क्या कहता है, सम मोर सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलो आर वाइल ऑन प्लेग्राउंड, जब हम प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में रहते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए। देखो, डू नॉट कम इन द वे ऑफ ए मूविंग स्विंग यू मे गेट हिट, यानी जब भी आप चल रहे हो झूला झूल रहे हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। स्टैंड इन ए क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न इफ़ यू वांट टू यूज एनी राइड और स्विंग, डू नॉट फाइट विद अदर्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम प्लेग्राउंड में होते हैं तो अपनी बारी का वेट करना चाहिए और लाइन में खड़े रहना चाहिए। डू नॉट intensely hit your ball and someone if may cause bleeding and even fatal, यानी हमें जानबूझकर किसी के ऊपर बॉल्स वगैरह नहीं फेंकनी चाहिए, इससे क्या हो सकता है ब्लीडिंग और चोट भी लग सकती है, यानी अपने लिए घातक हो सकता है। अब ये थे प्लेग्राउंड के रूल्स। इसके बाद में थे स्कूल, स्कूल में कौन से सेफ्टी रूल्स हमें अपनाने चाहिए। डू नॉट रन इन कॉरिडोर्स यू में हिट समवन, हमें कभी भी गलियारे में कॉरिडोर में कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट जम्प और रन ऑन स्टेयरकेस, कभी भी सीढ़ियों से हमें जंप नहीं लगाना चाहिए। नेवर जंप ओवर चेयर्स एंड डेस्क, और नहीं कोई चेयर्स वगैरह डेस्क वगैरह होती हैं उनके ऊपर जाना चाहिए। डू नॉट बेंड ओवर द विंडोज, तो ये रूल्स हैं हमें स्कूल में अपनाने चाहिए। तनिषा क्या कहती है, तन्मय वुड यू टेल मी समथिंग अबाउट सेफ्टी एट होम, यानी हमें घर पर कौन से नियमों का पालन करना चाहिए इसके बारे में भी मुझे बताओ। तो घर में जब हम रहते हैं हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट जंप और बेड और सोफा और चेयर्स, डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक और नाइफ और ब्लेड, डू नॉट प्ले ऑन टेरिस, डू नॉट पुट योर फिंगर्स इंटू इलेक्ट्रिक सॉकेट एज यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक, यानी एक तो बेड वगैरह होते हैं उन पर कभी जंप नहीं लगाना चाहिए, इसके अलावा जो चाकू है ब्लेड है या माचिस है उनके साथ में कभी नहीं खेलना चाहिए, नहीं टेरिस पर कभी दौड़ करके जाना चाहिए। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद बेयर फिट और वेट हैंड्स, कभी भी नंगे पैरों से और गीले हाथों से किसी भी विद्युत उपकरण को टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर इट मे काज इलेक्ट्रिक शॉक एंड मे प्रूव फेटल, यानी कभी भी जो इलेक्ट्रिक वायर हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, इससे वो घातक हो सकते हैं। तनिषा क्या कहती है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई ब्रदर तन्मय, यू पे गुड अटेंशन इन क्लासेज, यानी अब मैं ये सारी चीज़ें इनका पूरी तरह से मैं ध्यान रख सकूंगी। तन्मय एंड तनिषा हैड रीच्ड देयर होम सेफली,
बाय नाउ और तन्मय और तनेसा है सुरक्षा से अपने घर पहुंच जाते हैं। दे हग्ड ईच अदर एंड एंटर्ड देयर होम, वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने घर में प्रवेश करते हैं। इफ़ सेफ्टी रूल्स आर नॉट फॉलो इट कैन रिजल्ट इन इंजरी एक्सीडेंट ऑफ इवन डेथ, यानी अगर हम सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो इससे हमें चोट भी लग सकती है और यहाँ तक कि एक्सीडेंट में डेथ भी हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको भी सेफ्टी रूल्स हैं इनको फॉलो करना है। थैंक यू।